बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। आप ये देख रहे हैं कि आज फिर नगर पंचायत की जो डंपिंग साइट है उसमें फिर आग लगा दी गई। इसलिए लगाई गई ताकि जो यहाँ पर कूड़ा करकट जो काफी इकट्ठा हो चुका था उसको फिर से नरेगा के माध्यम से एक लोगों को बताया जाए, शासन व प्रशासन को बताया जाए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि लोगों ने किस आस्था से, किस ढंग से ये कार्य सोचा था। और ये नगर पंचायत जब से बनी थी तो लोगों ने सोचा था यहाँ सफाई की व्यवस्था होगी, और आए दिन यहाँ के जो नगर पंचायत के सचिव है वो ये बयान करते हैं कि यहाँ पर झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पर सभी काम बड़ा अच्छा हो रहा है। आप देखिए, जनता खुद इस चीज की गवाह है कि यहाँ पर आग लगाकर यहाँ पर ये खाद निकाली जाती है। खाद किस चीज की निकाली जाती है? ये आग लगाएंगे फिर यहाँ से खाद बनाई जाएगी, तो उसका ये एक प्रारूप आप सबके सामने है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कुछ नहीं है, ये यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ इससे नीचे रोड था और ये 3-4 सालों का ही कूड़ा करकट है। आप देखिए यहाँ की पूरी व्यवस्था जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो इन्होंने इसको अव्यवस्थित करके रखा है, और यहाँ के लोगों के लिए ये एक ऐसा जरिया दिया है कि सांस लेने की भी मुश्किल हो गई है। तो ये नगर पंचायत नहीं है, ये लोगों को एक प्रदूषण का केंद्र बन चुका है, जिससे कि आए दिन हम नगर पंचायत को अपनी प्रार्थना रखते हैं शासन व प्रशासन तक, परंतु यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है वो भी कोई एक्शन नहीं लेता है, वो भी सिर्फ कागजों तक सीमित है और कोई भी इसमें कार्यवाही करने में असहमत है। चाहे यहाँ का SDM का कार्यालय हो, चाहे अन्य यहाँ के व्यवस्था हो, सब DC तक सब चीजों को देखते हैं, परंतु वो भी मुझे बड़ा दुख लगता है कि वो भी इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और हम लोगों को ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण, चाहे आप नीचे देखिए कि यहाँ पर बिनवा नदी बह रही है उसमें जो जल प्रदूषण हो रहा है उसके पर भी किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।